हे गाइस, आप सभी आज का टाइटल पढ़कर समझ गए होंगे कि आज की ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू रिमूव फेशियल हेयर नेचुरली एट होम। हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी जानते हो कि हमें ये हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट कितना एक्सपेंसिव पड़ता है और हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। मार्केट में बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, बट सबसे फेमस है लेजर ट्रीटमेंट, और ये ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है। और मैंने अपने दोस्तों से भी सुना है कि इस ट्रीटमेंट के बाद 2 से 3 सालों में ही हेयर ग्रोथ वापस आने लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने फेस, अपर लिप्स या फोरहेड के हेयर को रिमूव करना चाहते हैं नेचुरली, तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड उसके साथ में बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना ना भूलिए। आज मैं आपको अपनी एक स्पेशल फेशियल हेयर रिमूवल रेमेडी के बारे में बताने वाली हूँ, जो बहुत ही अफोर्डेबल है एंड इसे आप इजीली घर पर बना सकते हैं। और जिन लोगों के फेस पर पिंपल, एक्ने, ब्रेकआउट होते हैं या उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वो इस रेमेडी का यूज़ बिना किसी डर के साथ कर सकते हैं, बिकॉज दिस रेमेडी डजंट हैव एनी साइड इफेक्ट्स एंड ये 100% नेचुरल है एंड रिजल्ट्स आर वेरी प्रॉमिसिंग। इस होम रेमेडी को हमारे पूर्वज भी सालों से यूज करते आ रहे हैं, सो यू कैन एंजॉय दिस ट्रीटमेंट वंस इन अ वीक टू कीप योर फेस क्लियर ऑफ अनवांटेड हेयर। तो आइए अब जानते हैं इसे बनाना कैसे है। हमारे पहले रेमेडी के लिए हमको चाहिए एक क्लीन बोल, उसमें 2 टेबल स्पून ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन ऐड करें। इफ बेसन डजंट सूट्स योर स्किन, देन यू कैन ट्राई व्हीट फ्लावर यानी कि आटा, एंड इसमें अब हमें 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल ऐड करना है। मैं यूज कर रही हूँ पतंजलि कोकोनट ऑयल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपको इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे तब तक मिक्स करना है जब तक एक स्मूथ कंसिस्टेंसी ना बन जाए। और लास्ट में मैं आपको इसमें 2 टेबल स्पून रोज वाटर ऐड करना है। मैं यहाँ पर डाबर का रोज वाटर यूज कर रही हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए जान लेते हैं इसे फेस पर कैसे अप्लाई करना है। आपको इस मास्क को अपने फिंगर या ब्रश की हेल्प से लगाना है। मेक श्योर आप आईज एंड माउथ एरिया को छोड़कर ही लगाएं। अप्लाई द मास्क इन द डायरेक्शन ऑफ योर हेयर ग्रोथ। इस मास्क को आपको कम से कम 20 मिनट तक अपने फेस पर रखना है, जिससे कि आपकी स्किन पे अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है इस मास्क को कैसे निकाले। आपको इसे अपने हाथ की हेल्प से फेस पर रबिंग करनी है सर्कुलर मोशन में। रबिंग शुड बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ योर हेयर। आफ्टर रबिंग आपको इसे हाफ एन आवर तक ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश कर लेना है, बट मेक श्योर कि आप यहाँ पे कोई भी फेस वॉश यूज ना करें। साथ ही अगर आपकी स्किन ऑयली है एंड आप अगर मेस मॉइस्चराइजर की सर्च में हो, तो आप वीडियो पे दिए गए लिंक पे क्लिक कर देख सकते हो। एंड जो रेमेडी मैंने आपको अभी बताई है, उसे आप वीक में 2 टाइम्स अप्लाई कर सकते हो, और इसका रिजल्ट्स प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो गाइस, विद दिस इट्स अ रैप। ये थी मेरी आज की वीडियो एंड आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर भी जरूर बताइए। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।